बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के केस की सुनवाई की तारीखों को तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की नई बेंच का गठन कर दिया है। नई बेंच में 2 पुराने जजों को हटाकर 2 नए जजों को शामिल किया गया है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि टाइटल सूट की सुनवाई की तारीख तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई संविधान पीठ का गठन कर दिया है। इस पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस ए बोबड़े के अलावा जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर को शामिल किया गया है। इस मुकदमे की सुनवाई 29 जनवरी को शुरू होगी। पिछली सुनवाई पर वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सर्वोच्च अदालत को ध्यान दिलाया था कि बेंच में शामिल जस्टिस यूयू ललित अतीत में इस केस की सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की ओर से बतौर वकील पेश हो चुके हैं। इसके बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद को इस केस की सुनवाई से अलग कर लिया था। नई बेंच में जस्टिस यूयू ललित के अलावा जस्टिस एनवी रमाना को भी शामिल नहीं किया गया है।